हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केजी टेक्निकल हाउस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ 20x45 900 स्क्वायर फीट है, इसमें आप लोगों का दो बेडरूम मिलेगा। आप देख सकता है एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है। इसका साथ आप देख सकते हैं किचन है, दो टॉयलेट बाथरूम रखा हुआ है। एक नंबर या साथ अटैच है ये, और ये जो टॉयलेट बाथरूम है ऑल ओवर के लिए रखा है। इसमें डाइनिंग ड्राॅइंग रूम है, इसमें आप एक खुला एरिया है और सीढ़ी घर है। इस साइड में है 20 और इस साइड में 45। इस चैनल में जिन लोग नए हैं चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि पूरी तरह समझे। मैं कोशिश की अच्छा ड्राइंग देने के लिए। इसे ड्राइंग शुरू करने पहले आप देख सकता है इस साइड में 20 और इस साइड में 45 माप रखा है। इसमें आप देख सकता है एक नंबर बेडरूम है, एक नंबर बेडरूम का इसका माप रखा है 12 फीट 2 इंच का है, और इस साइड का माप रखा है 11 फीट का है। और एक किचन है, किचन का माप रखा है 6 फीट 4 इंच का है, और इस साइड का माप रखा है 8 फीट का है। ये टॉयलेट बाथरूम एक नंबर साथ अटैच है, इसका माप रखा है 6 फीट का है, और इस साइड का है 5 फीट का है। ये दूसरा टॉयलेट बाथरूम है ऑल ओवर के लिए रखा है, ये 6 फीट का है आप देख सकते हैं, और इस साइड का माप है 5 फीट का है। और ये डाइनिंग ड्राइंग रूम है, इसका माप है 19 फीट है, और इस साइड का माप है इसका 10 फीट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप है 6 फीट का है। यहाँ से लेकर यह तक का माप है 8 फीट का है। आप देख सकते हैं दूसरा बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम इस साइड का माप है 12 फीट 2 इंच का है, और इस साइड का माप है 10 फीट का है रखा है। आप देख सकते हैं इसमें आप सीढ़ी घर रखा है, यही सीढ़ी घर का इसका माप है 6 फीट का है, इधर से लगे यहाँ तक है, और इस साइड का माप है 12 फीट 3 इंच का है। ये जो खाली एरिया है इसका माप है टोटल 6 फीट 3 इंच का है, और इस साइड का टोटल माप है 16 फीट 6 इंच का है। और इस बिल्डिंग का एंट्री पॉइंट इधर से होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ये गेट है, ये टॉयलेट बाथरूम का है, और ये बेडरूम का ये गेट है, और किचन का गेट इधर से है। आप देख सकते हैं जो गैपिंग दिखाई दे रहा है ये खिड़कियाँ है। आप इसमें किसी में नहीं चाहिए तो नहीं भी रख सकते हैं, आपका मर्जी, आप जैसे करना चाहते हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं ये जो है कॉलम है, पूरा कॉलम है, और इसमें बिल्डिंग कॉस्ट करीबन आ सकता है, आप देख सकते हैं 20 बिल्डिंग कॉस्ट करीबन 17 लाख करीब आ सकता है 20 बिल्डिंग कॉस्ट। और इस
आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा पैसा बचने के लिए आप एक दो साल पहले से आप प्लानिंग कर सकते हैं। उस हिसाब से जो सामान सस्ता में हो जाए उस हिसाब से आप कुछ सामान जैसा ईटा रेता बजरी पत्थर वगैरह आपका हिसाब से आप खरीद कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका थोड़ा पैसा बचत आएगा, मेरा मानना है। आप जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में को आप अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी 20x45 का दूसरा ड्राइंग चाहिए तो आप कमेंट में बता सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते अगला वीडियो में, थैंक यू।